देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत होंगे। तीरथ सिंह रावत पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। लगातार एबीपी न्यूज ने इस पर आपको सबसे आगे रखा। अब तीरथ सिंह रावत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, इस वक्त की बड़ी खबर है। तीरथ सिंह रावत इस वक्त भीतर ही हैं, उत्तराखंड में विधायक दल की बैठक देहरादून में चल रही है, वहीं पर वो मौजूद हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर है तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। तीरथ सिंह रावत इससे पहले लगातार विधायक भी रह चुके हैं, तीरथ सिंह रावत प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तीरथ सिंह रावत फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं और वे राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तीरथ सिंह रावत को एक बार इस बार उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के लिए विधायक दल में नेता चुना गया है। अब से कुछ देर पहले उनके नाम का एक लाइन का प्रस्ताव रखा गया। इससे पहले केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत के लिए रमन सिंह मंत्री जब विधायक दल की बैठक चल रही थी उससे बाहर निकले और उसके बाद तीरथ सिंह रावत के नाम का कहरवाक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रस्ताव रखा। एक लाइन के प्रस्ताव के बाद उनके समर्थन में तमाम विधायकों ने हाथ खड़े किए और उसके बाद अब तीरथ सिंह रावत विधायक दल के नए नेता हैं और विधायक दल के नए नेता के तौर पर अब उन्हें विधायक दल के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री की शपथ लेनी होगी। हमारे साथ नीरज पांडे सीधे जुड़ गए हैं देहरादून से। नीरज, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं विकास की तीरथ सिंह रावत अगले मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड की। और जैसा कि सबसे पहले खबर दिखाई हम लोगों ने, तीरथ सिंह रावत ही अगले मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के। आज जब विधायकों की बैठक के दौरान पर्यवेक्षकों ने सब विधायकों की राय ली और राय के दौरान एक नाम पर आम राय बनी और उसके तीरथ सिंह रावत के नाम पर आम राय बनी और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा जिस पर सभी विधायकों ने हाथ खड़े करके उनका समर्थन किया। और ये बड़े घटनाक्रम में तीरथ सिंह रावत तीरथ सिंह रावत हैं उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा कर दी गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित कर रहे हैं रमन सिंह और दुष्यंत गौतम। तो ये एक बड़े घटनाक्रम में साफ हो गया है, तीरथ सिंह रावत अगले मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के इतिहास में। जैसा कि पहले ही चर्चा आम कयास लगाए जा रहे थे कि कोई ना कोई नया नाम होगा, जो नया नाम सामने आएगा कौन हो सकता है वो, तो अब उन कयासों के बादल छट गए हैं। तीरथ सिंह रावत ही अगले मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के। जी विकास। ये देखिए नीरज पांडे, जिस वक्त पार्लियामेंट में बैठक चल रही थी गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ, उस वक्त हम वहीं पर मौजूद थे और तीरथ सिंह रावत राज्यसभा से गुजरकर उस गलियारे से निकल रहे थे। तब मैंने उनसे पूछा था कि कोर ग्रुप की बैठक में आपने क्या बात रखी, तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया था। लेकिन उनकी ये उम्मीद थी कि बैठक में क्या चल रहा है ये ज़रूर बताया जाए उनको जब पता चले। और उसके बाद लगातार तीरथ सिंह रावत से हमारी बातचीत होती रही, लेकिन देखिए जो नाम सबसे आगे चल रहे थे उसमें से निकलकर तीरथ सिंह रावत का नाम सबसे आगे आया। वे पहली पसंद बने केंद्रीय नेतृत्व की। केंद्रीय नेतृत्व ने बैठक के बीच में ही रमन सिंह को फ़ोन करके उनका नाम सुझाया और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीरथ सिंह रावत के नाम का विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव रखा। तमाम विधायकों ने उसका समर्थन किया और समर्थन के बाद अब तीरथ सिंह रावत विधायक दल के नेता के तौर पर चुन लिए गए हैं। वे राज्यपाल के पास जाएंगे जहां पर वे सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और उसके बाद राज्यपाल उन्हें शपथ की तारीख और समय बताने को कहेंगे। संभवतया ये माना जा रहा है कि 11 तारीख को उनकी शपथ हो सकती है, शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर सबसे बड़ी खबर, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। पौड़ी से सांसद हैं तीरथ सिंह रावत और वे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं और केंद्र की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। नीरज पांडे, इस वक्त की ये घोषणा वहां विधायक दल में हो चुकी है, फिलहाल औपचारिक घोषणा कितनी देर में होगी? तो बिल्कुल, विधायक दल की बैठक में इसकी घोषणा हो चुकी है और औपचारिक घोषणा भी हो चुकी है क्योंकि अंदर पत्रकारों की टीम को बुलाया गया है, सभी कैमरों को बुलाया गया है और उन कैमरों के सामने जो पर्यवेक्षक है दुष्यंत गौतम और रमन सिंह वो संबोधित भी कर रहे हैं और उन विधायक दल की बैठक को लाइव संबोधन हो रहा है या कहीं मीडिया के सामने उसका संबोधन हो रहा है और मीडिया के सामने
बाकायदा दोनों पर्यवेक्षकों ने तीरथ सिंह रावत के नाम की घोषणा कर दी है। जो मंच बना हुआ है जहाँ पे जो जिस मंच पे सब लोग बैठे हैं उसमें दोनों पर्यवेक्षक और सह प्रभारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा वर्मा के अलावा जो है मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री बनेंगे तीरथ सिंह रावत उनको भी जगह दी गई है। मैं कोशिश भी करता हूँ अंदर जाने की, लेकिन क्योंकि भीड़ बहुत है, मीडिया के तमाम लोग हमारे साथी और विधायक मौजूद हैं अंदर, इसलिए शायद अभी फिलहाल अंदर जाने से रोका जा रहा है। लेकिन तीरथ सिंह रावत अगले मुख्यमंत्री होंगे इस बात का ऐलान हो चुका है, पर्यवेक्षकों ने मीडिया के सामने भी इस बात का ऐलान कर दिया है। तो अब जो कयास थे, जो आशंकाएं थी उत्तराखंड को लेकर, वो समाप्त हो गई है। जो नामों की चर्चा थी वो भी समाप्त हो गई है और एक नाम तीरथ सिंह रावत पर आम सहमति बन गई है और तीरथ सिंह रावत ही मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के। जी विकास, इस वक्त की बड़ी खबर नीरज पांडे दे रहे हैं और ये देखिए इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर होने जा रही है। तमाम जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं उत्तराखंड बीजेपी के, वहाँ मौजूद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, कार्यवाहक मुख्यमंत्री आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बगल में पर्यवेक्षक रमन सिंह बैठे हुए हैं और ये देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। सभी हमारे हमारे महान संगठन है, सभी हमारे पदाधिकारी रूम में फोन कर देना, काम करो सरकार मंत्री तो सब हैं सारे, तुमको तो जाएगी नहीं, काम करवाओ मंत्री कनेक्ट करा देना सदस्यगण, हमारे काम कर दे फीड रूम में कर देना, विधायकगण और पत्रकार मित्रों, मैं जो भारतीय जनता पार्टी हमारी जैसी परंपरा कांग्रेस पार्टी के विधायक हो सकते हैं, पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम सब कार्यकर्ता और पार्टी का हम सब लोग का ही होता है। आज यहाँ पर ये विधानमंडल दल की बैठक हो रही है और पार्टी ने जैसा निर्णय किया है कि हमको एक अपने नए नेता का चुनाव करना है, तो उसके लिए मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि मैं नए अपने नेता का प्रस्ताव रखूं और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी इनको अपना विधानमंडल दल नेता चुनने का निर्णय लिया है। हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सौभाग्य से बाल्यकाल से जब वो पढ़ते थे तो मुझे बनाने का भी मौका मिला और मेरे साथ वो विचारक भी रहे, संगठन मंत्री भी रहे, सब लोग सोच रहे कि कौन ऐसा हो सकता है, एक उन्हें एक कार्यकर्ता को मौका दिया है। मैं नाम ले रहा हूँ अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह रावत। निवेदन करता हूँ कि आप कैमरा चेक लो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तीन बार छत्तीसगढ़ तो इस वक्त आप देख रहे हैं तीरथ सिंह रावत को वहां पर मंच पर बुलाकर उनके नाम की घोषणा की पूर्व मुख्यमंत्री और कार्यवाहक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। अब आपको बता दें कि
तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें विधायक दल का नेता औपचारिक तौर पर चुन लिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व ने उनके नाम पर मोहर लगाई है कि तीरथ सिंह रावत पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री रहे, लगातार 3 बार विधायक रहे। 2013 से 2015 तक वे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा। बीजेपी ने इसके बाद उनको अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। आपको बता दें, तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं, वे राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं, वे 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा वे संगठन मंत्री भी रह चुके हैं। आरएसएस से होते हुए बीजेपी में आए, बीजेपी से वे विधायक बने, उसके बाद मंत्री बने, राज्यसभा सांसद रहे, लोकसभा सांसद चुने गए पिछले 2019 के दौरान, और इसके अलावा वो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तीरथ सिंह रावत को केंद्रीय नेतृत्व ने अपना भरोसा जताते हुए उनको इस बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल इस्तीफा दे दिया था। तमाम पर्यवेक्षक जो नए मुख्यमंत्री जो इस वक्त आप देख रहे हैं, तीरथ सिंह रावत को वहां पर मंच पर बुलाकर उनके नाम की घोषणा की पूर्व मुख्यमंत्री और कार्यवाहक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। अब आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें विधायक दल का नेता औपचारिक तौर पर चुन लिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व ने उनके नाम पर मोहर लगाई है कि तीरथ सिंह रावत पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री रहे, लगातार 3 बार विधायक रहे। 2013 से 2015 तक वे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा। बीजेपी ने इसके बाद उनको अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। आपको बता दें, तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं, वे राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं, वे 3 बार विधायक भी रह चुके हैं, इसके अलावा वे संगठन मंत्री भी रह चुके हैं। आरएसएस से होते हुए बीजेपी में आए, बीजेपी से वे विधायक बने, उसके बाद मंत्री बने, राज्यसभा सांसद रहे, लोकसभा सांसद चुने गए पिछले 2019 के दौरान, और इसके अलावा वो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तीरथ सिंह रावत को केंद्रीय नेतृत्व ने अपना भरोसा जताते हुए उनको इस बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल इस्तीफा दे दिया था। तमाम पर्यवेक्षक जो नए मुख्यमंत्री के लिए रायशुमारी के लिए देहरादून गए थे, उनकी रिपोर्ट के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह फैसला लिया था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को की जगह अब नए चेहरे को चुनाव के मद्देनजर लाना जरूरी है, और उसके बाद आज विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत को नया विधायक दल का नेता चुना गया है। अब से वो कुछ देर बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के पास जाएंगे, जहां पर वे विधायक दल के नेता के तौर पर अपना पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे। उसके बाद राज्यपाल उनसे तारीख और समय शपथ ग्रहण के लिए पूछेंगे। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा और तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाएंगे। अब से कुछ देर बाद वे राजभवन जाएंगे। फिलहाल देहरादून में बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बाकायदा मीडिया को इस बात की जानकारी दी कि तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री होंगे, विधायक दल के नेता के तौर पर उनको चुन लिया गया है। वे विधान परिषद के, देखिए, 1997 से 2000 तक वे यूपी के विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। अब उन्हें उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाने वाली है। नीरज पांडे हमारे साथ वहाँ मौजूद हैं। नीरज, क्या अपडेट है, फिलहाल क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल सारे विधायक, विकास में बता दूं, सारे विधायक और जो सांसद हैं, कोर कमेटी के सदस्य हैं, अभी इसी हाल में मौजूद हैं। तीरथ सिंह रावत जी मंच पर मौजूद हैं, रमन सिंह और दुष्यंत गौतम वो भी मौजूद हैं, और माना जा रहा है कि अभी इसके बाद एक और बैठक हो सकती है और उसके बाद ये लोग राज्यपाल से समय मिलेंगे, और कहा जा रहा है कि 4 बजे राज्यपाल से मिलने का समय लिया गया है। राज्यपाल से मुलाकात करके ये लोग शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय करेंगे। यहाँ ये भी जा रहा है कि शपथ ग्रहण आज ही हो सकता है, आज ही शपथ ग्रहण करके मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभाल लेंगे, ऐसी बातें सामने आ रही है विकास, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री के राज्य को नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसा मानना है, यही माना जा रहा है कि आज तीरथ सिंह रावत किसी भी समय राज्यपाल से मुलाकात करके शपथ ग्रहण की प्रक्रिया को आज ही अंजाम दिया जा सकता है। जी विकास जी, नीरज, आप वहां पर कुछ विधायक हैं आपके आसपास जिनसे बात की जा सके कि आखिर विधायक दल की बैठक में उस समय क्या हुआ, किसने नाम का प्रस्ताव रखा, किस तरह की बातें, विदाई भाषण भी दिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल, अभी फिलहाल सारे विधायक
कमरे के अंदर हैं, रूम के अंदर हैं विकास, इसलिए अभी किसी से बात नहीं हो सकती है क्योंकि विधायकों के अभी निकलने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है और अंदर नीरज भीड़ है। तीरथ सिंह रावत आखिर केंद्रीय नेतृत्व की पसंद क्यों बने? देखिए विकास बिल्कुल सीधी सी बात है, तीरथ सिंह रावत का काफी लंबा चौड़ा अनुभव है न सिर्फ सरकार में बल्कि विधायिका में, संसदीय कार्य व्यवस्था में और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने अपना एक सफल कार्यकाल व्यतीत किया है। संघ की संघ बैकग्राउंड से आते हैं, लंबे समय तक संगठन के लिए काम करते रहे हैं और बहुत ही सौम्य, सरल और बहुत ही आसानी से एक्सेसिबल नेता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अशोक रावत को मुख्यमंत्री पद से पहुंचाने, मुख्यमंत्री पद पर आसीन करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। पहले से ही वो उसकी संगठन में इतने लंबे समय से काम करते हैं कि सबके साथ उनका रेपो बहुत अच्छा है, सबके साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छी है, लोग आसानी से उनसे अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे में सिंपल सामान्य तरीके और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने जैसे पहले भी कहा था और अब इस वक्त की बड़ी खबर है, नीरज पांडे लगातार हमें देहरादून से अपडेट दे रहे हैं। तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से लोकसभा सांसद, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। अब से कुछ देर पहले उन्हें विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। अब से कुछ देर बाद वे राजभवन जाएंगे, 4 बजे के आसपास का वक्त लिया गया है राजभवन से। राजभवन में 4 बजे जाके बेबी रानी मौर्य राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और विधायक दल के नए नेता के चुनाव का पत्र सौंपेंगे। इसके बाद राज्यपाल उन्हें नवनियुक्त मुख्यमंत्री के तौर पर अपॉइंट करेंगे। और ये देखिए, जिस वक्त तीरथ सिंह रावत के नाम का ऐलान कार्यवाहक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया, सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। आज यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक हो रही है और पार्टी ने जैसा निर्णय किया है कि हमको एक अपने नए नेता का चुनाव करना है, तो उसके लिए मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि मैं नए अपने नेता का प्रस्ताव रखूं और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी जिनको अपना विधानमंडल दल नेता चुनने का निर्णय लिया है वो हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सौभाग्य से बाल्यकाल से जब हम पढ़ते थे तो मुझे मंजूर चौधरी को बनाने का भी मौका मिला और मेरे साथ वो विचारक भी रहे, संगठन मंत्री भी रहे। सब लोग सोच रहे कि कौन ऐसा हो सकता है, एक उन्हें एक कार्यकर्ता को मौका दिया है। मैं नाम ले रहा हूँ अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, लगातार हम अपडेट दे रहे हैं आपको। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने बताया था आपको 6 मार्च को उत्तराखंड में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा, उसके लिए पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट दी केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व ने इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखा और कल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, विधायक दल की बैठक में उनको नया नेता चुना गया है। कुछ देर बाद वे जाएंगे और वहां पर राज्यपाल के सामने अपने नए नियुक्त विधायक होने का पत्र सौंपेंगे। 11 महीने 20 दिन सबसे पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी 2000 में बने और 2001 29/10 यानी कि 29 अक्टूबर तक रहे। भगत सिंह कोश्यारी दूसरे मुख्यमंत्री थे, 4 महीने 1 दिन का कार्यकाल कर पाए ये अपना, उसके बाद चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। 30 अक्टूबर से बने थे ये मुख्यमंत्री। भुवन चंद खंडूरी ये देखिए, ये तीसरे मुख्यमंत्री थे, 25 महीने 19 दिन रहे, पूरा कार्यकाल ये भी नहीं कर पाए, 2007 से 2009 तक रहे। फिर खंडूरी को हटाकर रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री बनाया गया, 2009 से 2011 तक ये मुख्यमंत्री रहे, 26 महीने 14 दिन तक। और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, माफ कीजिएगा, बीच में निशंक को हटाकर फिर से खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन उसके बाद चुनाव में हार हुई और फिर कांग्रेस आ गई, फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने 2017 से 2021, 47 महीने 20 दिन सबसे लंबा कार्यकाल त्रिवेंद्र सिंह रावत का रहा, लेकिन ये भी अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए। अब तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उन्हें फिलहाल विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इस समय तस्वीरें आप सीधे वहां से देख रहे हैं, देहरादून के बीजेपी कार्यालय से, जहां पर तीरथ सिंह रावत को विधायक दल का नया नेता चुना गया है। तस्वीरों में आप रमन सिंह को देख रहे हैं, रेखा वर्मा को देख रहे हैं जो कि पर्यवेक्षक हैं और प्रभारी भी हैं उत्तराखंड की, बगल में आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत देख रहे हैं जिन्होंने घोषणा की कि तीरथ सिंह रावत के नाम का प्रस्ताव रखा गया, सभी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है।
इस वक्त तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं देहरादून से, जहां पर तीरथ सिंह रावत का स्वागत किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है, उन्हें विधायक दल के नेता के तौर पर चुन लिया है। नीचे विधायक भी तमाम दिख रहे हैं आपको, हरक सिंह रावत भी दिख रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले मोर्चा खोला था त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के खिलाफ। और त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत को विधायक दल का नया नेता चुना है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। लगातार हम आपको इससे जुड़े अपडेट देते रहे। सबसे पहले आपने एबीपी न्यूज़ पर ये सारे अपडेट देखे, उत्तराखंड के मिशन मुख्यमंत्री से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पर देखने को मिले। विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपेंगे अब से कुछ देर बाद, समर्थन की चिट्ठी और विधायक दल की नियुक्ति का पत्र राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को तीरथ सिंह रावत सौंपेंगे। उसके बाद राज्यपाल उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करेंगे, औपचारिक रूप से उनकी शपथ होगी और उसके बाद उन्हें उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। आपसे कुछ देर पहले विधायक दल का नया नेता चुना गया है तीरथ सिंह रावत को, इस वक्त की बड़ी खबर है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।